आओ इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व करते हैं। और इसके पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और हमारे चैनल के थ्रू तुम क्लास 9th का रेगुलर कोर्स कर सकते हो। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बार बता दूं कि जितने भी इस एक्सरसाइज, इस अभ्यास को बनाने से, इस प्रश्नावली को बनाने से पहले सर्व समीकरण लिखाए हैं, एक बार सर्व समीकरण को जरूर याद करके रखना, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। तो तीसरा नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड मतलब कि ये जो दर्द पर टर्म दिया, इसको ऐसे ऐसे करके लाना है, ठीक है। गुणनखंड का मतलब ये है कि दो दो है ना, दो ऐसे नंबर रहेंगे इसको बीच में ऐसे इस तरह का गुणनखंड में लाया जाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर सर्व समीकरण का यूज करना है। तो देखो सर्व समीकरण पहले क्वेश्चन क्या है, 9x² + 6xy + y² ये दिया हुआ है ना, इसमें सर्व समीकरण का यूज करना है। सर्व समीकरण का यूज करना है, कौन सा सर्व समीकरण यूज करना? तो देखो एक पर एक फॉर्मूला सर्व संख्या तुमने पढ़ा होगा। पहला नंबर सर्व संख्या एनसीईआरटी में दिया होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये फिर से एक बार लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू पढ़े होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² देखो इस फॉर्मेट में दिया हुआ, इसका गुणनखंड ऐसे होता है, इस फॉर्म में दिया हुआ, इस रूप में दिया था, गुणनखंड ऐसे होता है। देखो इस रूप में दिया हुआ तीन को टर्म, देखो ऐसे तो इस तरह के रूप में ये दिया हुआ है, इसको हमको ऐसे लाना है। चलो तो कुछ नहीं करें, यहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर बनाओ। ए स्क्वायर किसको बनाओगे? इसको ए स्क्वायर बना दो, इसको बी स्क्वायर बना दो, और बीच वाला को 2ab बना दो। तो ए स्क्वायर कैसे बनेगा? देखो एक्स का स्क्वायर तो है ही, तो 9 किसका है, तो 3 का, इसलिए 3x का स्क्वायर कर लेना, तो ए स्क्वायर बन गया। चलो प्लस बी, इसको छोड़ दो, पहले बी स्क्वायर के बारे में सोचो। तो बी स्क्वायर यहाँ तो वाई स्क्वायर ऑलरेडी है ही, तो बी स्क्वायर बन गया, और बीच में 2ab अपने से लिख दो। 2a एक जगह पर क्या हमने माना है, 3x, और बी के जगह पर क्या माना है, वाई माना है, लिखा है ना। देखिए तो 2ab, 2 × ab बन गया, देखिए फार्मूला पर बैठ गया कि ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² के फॉर्म में बैठ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² का फॉर्म बन गया। इसको डायरेक्ट हम ए के जगह पे, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ 3x + b के जगह पर वाई है, तो देखो 3x + b y दैट इज a + b का होल स्क्वायर कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दो बार लिख सकते हो, 3x + y और 3x + y, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो। देख लिया ना, इस टाइप का जब भी रहेगा तो सर्व समीकरण यहाँ पर पहला यूज करके हमने इसको गुणनखंड कर दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ गया, तीसरा का पहला। चलो तीसरा का हम देखते हैं, दूसरा नंबर, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी तरह होगा। क्या दिया हुआ है, 4y² - 4y+1। एक बार बच्चों कर रहे तुम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो कम रहता है, तो कोई और भी बुक का फॉलो कर लेना, और चाहे तो इसका एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी बना लेना क्वेश्चन को। चलो अब देखो यहाँ पर भी ये माइनस वाला फॉर्मूला आ गया, तो माइनस वाला एक फॉर्मूला पढ़े थे, a - b² = a² - 2ab + b² इस फॉर्मेट पे दिया हुआ है। देखो इस फॉर्मेट पे दिया हुआ है, तो इसका होगा a - b² के रूप में आएगा। तो ए स्क्वायर बनाओ पहले, तो देखो इसको हम ए स्क्वायर बना दिए, इसको बी स्क्वायर बना दिए, तो ए स्क्वायर तो 2y का स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर बन गया माइनस, इसको छोड़ दे पहले, पहले बी स्क्वायर का सोचते हैं, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गया। तो बीच में माइनस 2a भी बनेगा, तो 2a एक जगह पर 2y है, बी के जगह पर 1 है, देखिए 2a भी बन गया। अभी फॉर्मूला पर बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a - b² होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर 2y है और b की जगह पर 1 है, इसलिए ऐसे करके स्क्वायर कर दिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2y - 1 और 2y - 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी में दिया गुणनखंड के लिए, आपको दिया x² - y² / 100, ये दिया हुआ है आपका। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे a² - b², ये फॉर्मूला है a² - b², इसमें ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² - b², इसका गुणनखंड रूप होता है a + b और a - b। तो सबसे पहले इसको ए स्क्वायर तो बना हुआ है, बी स्क्वायर भी बना हुआ है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, a² b² तो नीचे 100 है, तो इसको पहले y/10 ऐसे करके लिख लेना, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गया। यहाँ ए के जगह पे x काम कर रहा है और b के जगह पे
वाई वाई टेन कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट एक बार प्लस एक बार माइनस लिख देंगे, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी कर लिया तो एक जगह पे एक्स था और बी के जगह पे वाई बाई टेन, तो इसे ऐसे कर लिया, और दूसरा ए माइनस बी, इस तरह का इस आइडेंटिटी का हम सर्व समीकरण का यूज करके हम लोग क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए, ठीक है। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें भी सर्व समीकरण का यूज करना है। चौथा नंबर, उपयुक्त सर्व संख्या प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार कीजिए, बढ़ाना है। देखो फॉर्मूला मैंने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तीन टर्म का स्क्वायर है, तीन टर्म का स्क्वायर है, तो तीन टर्म का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताया था, उस सर्व संख्या का यूज करके तुमको बनाना है। देखो कैसे करोगे, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो पहले ये पहला टर्म का स्क्वायर कर देना, दूसरा का स्क्वायर कर देना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरा का भी स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करने के बाद फिर प्लस में लिखा टू ए बी करना, टू ए बी, तो पहला दूसरा से दो से गुना कर देना, टू ए बी हो गया प्लस टू बी सी, टू वाई गुने फोर जेड हो गया, टू बी सी लिख दिया, और प्लस टू सी ए, तो सी की जगह पर कौन है फोर जेड गुने ए की जगह पर एक्स है, फार्मूला पर खाली बैठा दिया, ठीक है। चलो अब ये लिखो, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, टू वाई का स्क्वायर करो तो फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसको करोगे तो सोलह जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस इसको गुना करो, देखो टू है और टू है, टू टू फोर मैंने दो दो चार हो गया, और एक्स में वाई से गुना करो तो चार एक्स वाई हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ देखो दो दिन चार चौर चौक के सोलह, तो सोलह, और यहाँ वाई जेड है तो वाई जेड हो गया, और प्लस में दो चौके आठ, तो आठ जेड एक्स हो गया। तो देखो ये फाइनल तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर प्लस सोलह जेड स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस सोलह वाई जेड प्लस एट जेड एक्स, इसका उत्तर हो गया। देखो इसका प्रसार हुआ कि नहीं, ये छोटा सा फॉर्मूला का प्रसार होकर ये आंसर आया, ठीक है, ये हो गया। उसी में क्वेश्चन नंबर देखते हैं टू, टू नंबर या थ्री नंबर या फोर्थ नंबर, देखो क्वेश्चन फोर्थ नंबर, थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी, माइनस वाला है उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला भी हम लोग बना सकते हैं, बनाइए। तो कैसे लिखेंगे, पहला का स्क्वायर तो थ्री ए का स्क्वायर कर दिए, दूसरा का स्क्वायर देखो दूसरा यहाँ है माइनस में है इसलिए माइनस में सेवन बी का स्क्वायर लिख देना, तीसरा भी है माइनस में इसलिए माइनस सी का स्क्वायर कर देना, लेकिन बीच में प्लस ही देते जाना, ए के जगह पे थ्री है तो थ्री ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया, और प्लस में टू ए बी, तो टू ए के जगह पे कितना है थ्री ए, और बी के जगह पे माइनस सेवन बी है तो इसलिए माइनस सेवन बी लिख देना, ऐसे करके लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद में प्लस में टू बी सी, तो बी के जगह पर माइनस सेवन बी है और सी के जगह पर माइनस सी है तो ऐसे लिखना, तो टू बी सी हो गया, और लास्ट में आपका टू सी है, तो टू सी, सी की जगह पर माइनस सी है और ए के जगह पर थ्री है, तो माइनस रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जैसे माइनस रहेगा तो माइनस सी का स्क्वायर करना, यहाँ गुना उसी तरह करना, तो थ्री ए का स्क्वायर करोगे तो नाइन ए स्क्वायर हुआ, क्यों तीन दिए नौ ए का स्क्वायर, इसको करोगे देखो ध्यान दो, माइनस का भी स्क्वायर करो तो प्लस में आएगा ना, तो सात का स्क्वायर सत्तर उनचास, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो उनचास हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में देखो माइनस का भी स्क्वायर करो तो प्लस में, तो सिंपल सी स्क्वायर हो गया, मतलब पहला टर्म पूरा तीनों प्लस में आएगा। अब यहाँ देखो द्वितीय छः, छः और सात में गुना करोगे तो बयालीस हो गया, लेकिन माइनस है टर्म, ये माइनस में, ये को माइनस है तो माइनस कर दिया टर्म को, तो बयालीस लिख देना ए भी हो गया। यहाँ देखो दो को माइनस में है, एक को माइनस सात भी और माइनस सी है, और तो नंबर पहले गुना करो दो सते चौदह और बी सी, तो प्लस में बी सी चौदह बी सी लिख देना, ठीक है। और इसमें देखो ये को माइनस है तो माइनस में पूरा पद ये माइनस में आ जाएगा, और द्वितीय छः तो छः सी ए, देखो ऐसे हो गया। तो इस तरह के देखिए माइनस में रहने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसी तरह फॉर्मूला बनाना है। चलो इसमें एक और हम तुमको बटा वाला क्वेश्चन बताते हैं, सिक्स नंबर, देखो सिक्स नंबर क्वेश्चन है, वन बाई फोर ए माइनस वन बाई टू बी प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसी तरह आसान क्वेश्चन सेम प्रोसेस है, यहाँ पे ए के जगह पर वन बाई फोर ए समझना,
बी के जगह पे माइनस वन बाई टू बी समझना और सी के जगह पे वन समझना। तो सबको पहले स्क्वायर लिखो, तो वन बाई फोर ए का स्क्वायर कर दिए, इसे एकदम पूरा लिख देंगे, फिर प्लस में इसको माइनस है तो वन माइनस माइनस वन बाई टू बी का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और प्लस में वन का स्क्वायर लिख देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले हो गया, प्लस में टू ए बी, तो टू ए के जगह पर वन बाई फोर ए, बी के जगह पर माइनस वन बाई टू बी है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जैसे उसे फॉर्मूला पर बैठाते जाएंगे टू ए बी, उसके बाद क्या होता है प्लस टू बी सी, तो बी के जगह पर माइनस वन बाई टू बी है और सी के जगह पर वन है, रख दिया फॉर्मूला पे, प्लस में लास्ट बचा टू सी है, तो वन सी के जगह पर वन है, तो टू गुने वन गुने सी, टू गुने टू सी है, तो टू सी ए, सी के जगह पर वन है और सी ए के जगह पर वन बाई फोर गुने वन बाई फोर ए है, ऐसे। चलो अब देखो यहाँ से इसको जब वर्क करोगे स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाला वन ही रहेगा, नीचे चौचे को सोलह हो जाएगा, तो वन बाई सोलह ए स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, इसको प्लस में माइनस को स्क्वायर करो तो प्लस में आएगा, तो यहाँ क्या होगा वन का स्क्वायर वन, दो का स्क्वायर चार, तो वन बटा फोर बी स्क्वायर हो गया, और वन का स्क्वायर करो तो वन ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे यहाँ से देखो इसमें कैसे करना है, ये टू है तो टू से इसे काट सकता है दो को, तो काटने के बाद देखो ऊपर माइनस में एक टर्म है तो आएगा तो माइनस में ही, और ए भी ऊपर हो गया, और ये देखो यहाँ पर वन वन बच गया, यहाँ दो दो बच गया, तो वन बटा चार हो गया, गुना सही से करना, दो दूनी चार, नीचे नीचे वाला गुना होता है ऊपर ऊपर वाला होता है, तो माइनस वन बटा चार, और ए भी है तो ए भी लिख देना। इसमें देखो ये टू से टू कट गया, कट गया ना, तो माइनस बी और वन है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, खाली माइनस बी हो जाएगा, बी में वन से गुना करेगा, बी में वन से गुना करेगा तो बी ही नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखो दो से फिर एक्स को दो काटा, तो यहाँ वन वन और टू, तो यहाँ प्लस में ही आएगा वन बाई टू ए, तो देखो ऐसे बटा में आपका आंसर आ गया। इस तरह हम लोग चौथा का पूरा क्वेश्चन हम बना लिए, एक दो क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इसमें आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन सब तरह का तीनों तरह का क्वेश्चन हमने बता दिया, तो आई होप सब समझ में आ गया होगा आपको किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम और है तो और हमें कमेंट करके प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। थैंक यू।